आप हमसे पूछ रहे हैं, आप दुनिया देख रहे हैं, आप बताइए कितना लड़की के साथ ऐसा हंगात। अभी तो आप तुरंत क्या इंटरव्यू लिए हैं, ये देखिए एक लड़का था, एक लड़की को छोड़ कर चला गया, लड़का सब पर क्या कोई लड़कियां भरोसा करेगी, आप ही बताइए। तो चलिए हम एक बार पहुंचे हुए हैं शिवम दुबे और पिंकी पांडे को ढूंढने के लिए। जैसा कि आप सभी इनकी जो प्रेम कहानी है उसे आप सभी लोग जानते होंगे, और एक वीडियो इन लोगों का हम देखे थे जिसमें ये हमें भी कुछ भला बुरा जो शिवम दुबे हैं वो बोल रहे थे। तो बड़ा पता करते करते हम पहुंचे हुए हैं, आप सभी को जानकारी होगा कि ये लोग घर से यानी पिंकी के घर पे ही पहले रहते थे, लेकिन अब ये लोग अपने घर से दूर कहीं ना कहीं रहते हैं। अब ढूंढते ढूंढते हम पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, अब चलते हैं। ये देख सकते हैं एक खटिया है, और ये इन लोगों का शायद किराए वगैरह पे लिए हुए हैं, और हम देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग हैं कहाँ। चलिए हम यहाँ पे चापाकल वगैरह है और ये खाली ही है, और इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हैं ये दोनों प्राणी, यहाँ पे हैं, और पूरा रूम जो है वो खाली ही है और कुछ अंधेरा है। चलिए हम पहले बात कर लेते हैं शिवम दुबे से। शिवम दुबे जी, जी एक वीडियो हम आपका देखे थे। जी देखे थे ना? हाँ हाँ। आप बनाए हुए थे खटिया पे बैठ के, बड़ा उल्टा सीधा बोल रहे थे। जी वहाँ पे पिंकी भी बैठी हुई थी। हाँ हाँ। हम इनके घर पे गए हुए थे, ये हमको फ़ोन करके बुलाई हुई थी। जी, ठीक जी। है, ये यहीं पे है, आप पूछ सकते हो। तो उसमें क्या वजह हुआ कि उल्टा सीधा बोल रहे थे? उल्टा सीधा उसमें आपने बोला था कि वो जो लड़का है स्टेज पे आता है, हम लोग से जब शो करता है तभी मुंह में गुटखा उटका खा के आया था। हालांकि नहीं, स्टेज पे नहीं, हम बोले थे कि वो शो के जब एक बार आए हुए थे तो गुटखा वगैरह खाए हुए थे। ठीक है, कभी नहीं खाए हम तो शो पे, कोई सा वीडियो में आप दिखा दीजिए। चलिए हम घर पे जब गए हुए थे और उसके बाद से बोल रहे थे कि हमारी बीबी को पिंकी को सिखा कर बुलवाया गया था। पिंकी अब तुमको कुछ सिखाए हुए नहीं, नहीं। 3 लाख रुपया का बोलो या ऐसा बोलो, नहीं या ऐसा कोई बोलो? नहीं कोई नहीं सिखाया। लेकिन आप भी तो उसी खटिया पे बैठी हुई हो और ये बोल रहे हैं और आप भी सुन रही हो, तो उसमें तो कुछ किसी प्रकार का आप इनकार नहीं की हो कि नहीं बसंत बिहार वाले जो भैया हो इस तरह का कुछ नहीं सिखाए हैं हमको? हाँ हम नहीं बोले हैं। तो इनसे तो आप पूछ लिए होते कि भाई वो सिखाए हैं, हमारी फितरत तो कोई कतई रही नहीं है कि हम कुछ इनको सिखा दें या पढ़ा दें या कुछ ऐसा कर दें। ठीक है, जो उसमें हम बोले हैं और ये भी आप पे गुस्सा हुई थी तो हम आपको बोले हैं कि भाई आप तो मुझे लग रहा था कि, या सभी को लग रहा था, इसको भी लग रहा था कि भाई आप छोड़ कर चले गए। जी ठीक है, आप शायद जेल वगैरह में गए हुए थे, अब क्या मामला था क्या नहीं था, लेकिन आप उसमें गए हुए थे तो इनको लग रहा था कि भाई वो कहीं उसके बाद से रफू चक्कर हो गए। जी तो फिर आप आए, तो ये सब बातें जो है जो पिंकी को आप बोल रहे थे कि सिखा कर बोला है, कहीं ना कहीं आपको पता तो होगा कि हम सिखाए नहीं है। नहीं नहीं मालूम था, नहीं मालूम था, पिंकी से नहीं पूछे थे कि ये सिखाए हैं कि नहीं, कि 3 लाख रुपया का वो मामला हुआ है कि नहीं? नहीं नहीं पूछा था, ये ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी आप बोले, और कई ऐसे मान लीजिए कि मीडिया कर्मी है जो आपके चैनल से उठा उठा कर चलाए हुए थे, है ना, और कई लोग, हालांकि वो वीडियो हम नहीं देखे हैं, कई लोग हमारे पास फ़ोन किए कि भाई इस तरह का वो बोल रहे हैं जो शिवम दुबे हैं, क्या हुआ है? हम बोले कि भाई हम तो कुछ किए नहीं है, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, खैर तो आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें कुछ गलती तो हमसे हो गई, पहले पूछ लेना चाहिए था इससे कुछ सिखाया वखाया कि नहीं। जी पहले आपको मान लीजिए कि पूछ लेना चाहिए था कि भाई वो कुछ बोले हैं 3 लाख रुपया या 4 लाख रुपया, अब जो भी दावा कर रही है वो कर रही है, सामने वाला जो भी बोलेगा वही तो हमें दिखाना है, कुछ अलग तो हम, क्योंकि ये तो जो आप बोल रहे हैं वही दिखा रहे हैं हम लोग, है कि नहीं? जी जी। तो उसके बाद से मान लीजिए कि उल्टा सीधा चल खर चलिए, आप एक छोटे भाई हैं, ठीक है, इसके लिए हम पिंकी से भी उसके बाद से फ़ोन किए थे, है कि नहीं? पिंकी फ़ोन किए थे ना, बोले कि भाई ये कैसा क्यों बोल रहे हैं, तो आप बोली कि अब हम वहीं पे है थे और हम उन्हीं के हैंड में हैं, तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं, है ना बात? सही बात है। और इनके जो आपकी सासू माँ, इनकी माँ के पास भी हम फ़ोन किए हुए थे, पूछे कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, हम कुछ सिखाए हुए हैं, वो भी बोली कि नहीं कुछ सिखाया, नहीं कोई नहीं सिखाया। और मान लीजिए कि जो आपने बोला वहीं हम दिखाए हुए थे, और हमारे साथ 3 लोग गए हुए थे, 2 लोग और भी थे। अच्छा। हाँ, एक मुझे सिखाए थे जो दीपक ही पता नहीं क्या लगते हैं, वो मुझे सिखाए थे तुम ऐसे बोलो ऐसे कहो, मैंने वो मुझे सिखाए हैं, और कोई नहीं मुझे सिखाया, और कोई नहीं सिखाया। लेकिन फिर भी चलिए
आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं और बेहतर ढंग से रह रहे हैं, ये खुशी की बात है। मुझे तो लगा था कि आप छोड़कर कहीं ना कहीं निकल गए, आप थोड़ा नज़दीक आ जाइए, आप कहीं ना कहीं निकल गए, लेकिन फिर भी आप आए और पिंकी को लेकर आप साथ रह रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमें जो बोले हैं, खैर आप एक छोटे भाई हैं, हमें उसका कोई मलाल नहीं है। हम ये भी बोले थे कि अगर हमारा नाम बोलने से या कुछ उल्टा सीधा बोलने से आपका व्यूज बढ़ता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोले थे ना। सही है। तो इस तरह से हम बोले थे। तो खैर चलिए, अब इसमें ये जो शिवम दुबे हैं बोल रहे थे कि हम पिंकी से पूछे नहीं थे और एक वीडियो हम इनका बनाए हुए थे, जब ये जेल से निकले हुए थे उसके बाद से पिंकी के पास आप नहीं गए। नहीं, कहाँ पे चले गए? पानीपत गए थे डायरेक्ट। पानीपत गए जी, और वहाँ से फिर हमारा वीडियो देखे, इधर उधर हुआ, तब चले आए यहाँ पे। नहीं नहीं, अपने मन से हम इससे बोलते थे आने के लिए। अच्छा जी, मगर इसको यकीन नहीं हो रहा, इनको यकीन नहीं था। हाँ अच्छा पिंकी, एक बात बताओ, शिवम दुबे आपको जब भी कुछ दिन के लिए छोड़कर चले जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं मान लीजिए कि बड़ा वो हो जाती हो कि नहीं, वो चले गए तो ये हो गया, ये हो गया, ऐसा क्यों? आप हमसे पूछ रहे हैं, आप दुनिया देख रहे हैं, आप बताइए कितना लड़की के साथ ऐसा हंगात? अभी तो आप तुरंत क्या इंटरव्यू लिए हैं, ये देखिए एक लड़का था, एक लड़की को छोड़कर चला गया, लड़का सब पर क्या कोई लड़कियाँ भरोसा करेगी? आप ही बताइए ना, कब रहेगा, कब छोड़कर चला जाएगा, भरोसा कर सकते हैं? तो इस तरह का भरोसा नहीं है। अभी तो फिलहाल भरोसा है, अभी तो आगे चल के देखिए क्या हो रहा, अभी हम क्या बता सकते हैं। जब भी आपको 8-10 दिन के लिए छोड़ के जाते हैं तब आप क्रोधित हो जाते हो, है कि नहीं? 10 के लिए थोड़ी ना गए, ये तो 2 महीना हुआ इनके जेल में गए हुए, उसके बाद से वहाँ से जेल में से छूटे तो इनके मम्मी पापा, इनकर मम्मी, इनकर मामा वामा पानीपत इनको लेकर चले गए, वहाँ इनको शादी उदी सब फिक्स करने लगे वो लोग। तो ये आपको और लड़कियाँ को सबके दिल में क्या लगेगा, आप ही बताइए। अब इसी तरह से आप समझिए क्या लगेगा, जब इतना बात सुनिएगा तो आपको मन में क्या लगेगा? तो कहीं ना कहीं आप जाकर क्रोधित हो बैठेंगे भाई। तो यही सब बात लेकर मैं क्रोधित हो गई, ये कहीं ना कहीं हमको छोड़कर चले गए। हाँ तो चलिए, अभी तो ठीक है ना? अभी ठीक है, बढ़िया। चलिए चलिए, आप जो इन लोगों के जीवन की बातें हैं हम दूसरे वीडियो में आप सभी को दिखाते हैं। और फिलहाल ये जो हम पे वीडियो बनाए हुए हैं, अब कहीं ना कहीं ये लड़कपन में बना दिए हैं, जो सच्चाई है ये पिंकी से पूछ नहीं पाए और ये अपने सासू माँ से भी नहीं पूछ पाए और कुछ हमको उल्टा सीधा बोलते हुए वीडियो बनाए हुए थे। खैर फिलहाल अब ये हंस रहे हैं और बड़ा आप इन लोगों को खोजने में परेशानी हुई है, हालाँकि अब परेशानी हुई है लेकिन मिल भी गए, तो कम से कम परेशानी जो है वो कहीं ना कहीं सार्थक हो गया है। हालांकि रहने का जो व्यवस्था है यहाँ पे अच्छी खासी व्यवस्था है, पंखा वगैरह भी लगा हुआ है, एल्बेस्टर का यहाँ पे घर है, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो शिवम है वो अपने कमाई से पिंकी को खिला पिला रहे हैं। और ये लोग ये अपने घर से भी दूर है और पिंकी भी अपने घर से दूर रहकर कहीं तीसरी जगह ये सब ये दोनों रह रहे हैं। तो चलिए आगे का वीडियो हम इन लोगों के जीवन पे, कैसे इन लोगों का जीवन चल रहा है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।